क्या आप लोग जानते हो कि अक्षय कुमार जो बॉलीवुड के एक जाने माने स्टार हैं, वो सुबह 4 बजे उठते हैं, एग्जैक्ट रात को 9 बजे सो जाते हैं। लेकिन फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग जो इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, ये मतलब रात को बहुत देर से सोते हैं, सुबह यानी कि ये 4 या 5 बजे सोते हैं, मतलब जब अक्षय कुमार सर उठते हैं तब ये सोते हैं। तो हम ये पूछेंगे कि ये दोनों में से दोनों ही सक्सेसफुल है, लेकिन दोनों का ही तौर तरीका बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। और देखिए, मार्क जुकरबर्ग जो डिग्री लेने से पहले ही रिचेस्ट मिलियनर बन चुके थे, मतलब उन पे बहुत सारे पैसे आ चुके थे बिना कोई डिग्री ले। और इन्होंने 32 साल की उम्र में, मतलब 32 साल की उम्र में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा लिया था, मतलब बहुत ही यंगेस्ट रिचेस्ट बन गए थे ये। सबसे ज़्यादा हमारा जो दिमाग है, मतलब सबसे हमारा जो दिमाग है, वो सोने के बाद हमारे शरीर में क्लोरो फ्लोरो कार्बन घूमता है, वो हमें आलस दिलाता है। जैसे मतलब हम जैसे सो के उठे तो वो कह गए, जैसे आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि आपने अलार्म बंद करा और आप कहोगे यार 5 मिनट और ले लेता हूँ, 5 मिनट। ऐसे ही हमारा जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो फॉर्मूला है हमारे अंदर, वो ऐसा ही करता है। लेकिन जो इस टाइम पर उठ जाता है ना, मतलब जो उठ जाता है उसका वो कार्बन का असर कम हो जाता है और वो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। मतलब वो बंद अक्षय कुमार जी सुबह उठते ही मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील करते हैं अपने साथ। और मार्क जुकरबर्ग जो है रात को 12 या 1 बजे के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब शांति होने के बाद क्रिएटिव मानते हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि मतलब जो इंजीनियस लोग होते हैं ना, ये सारे रात को ही अपने आप को ज़्यादा इफ़िशेंसी ऑफ वर्क ऑफ फोर्स समझते हैं, मतलब इनमें सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ही काम करने की क्षमता आती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप सुबह पड़े रहो दोपहर 12-1 बजे तक और रात भर जागो, ये आपके ऐसे सेहत को भी करेगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो अक्षय कुमार है सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन वो वही काम कर रहे हैं जो बॉलीवुड के सारे स्टार्स करते हैं, मतलब वही एक्टिंग जो होंगे होते होंगे जो एक्टर्स के वो होते होंगे। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने कुछ हटके करा है, उन्होंने वो ऐसी चीज़ बनाई है जो अभी तक किसी ने बना ही नहीं थी, यानी कि दी फेसबुक, जो पहले दी फेसबुक की लेकिन अब वो फेसबुक हो चुकी है। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, मतलब हमारा क्रिएटिव माइंड जब चलता है ना, हमें उस टाइम पे वो काम करना चाहिए जो हमें आगे अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अब मार्क जुकरबर्ग अगर ऐसे उल्टा सीधा करते हैं, मतलब कॉलेज में थे वो उस टाइम पे, अगर वो ये वेबसाइट पे मतलब फेसबुक की वेबसाइट बनाने के लिए रात भर नहीं जागते, मतलब अपना अपना क्रिएटिव माइंड का सवाल नहीं करते, तो क्या वाकई में हमें फेसबुक मिलती और ये क्या वाकई में आज ये उनका नाम होता है इस दुनिया में कि मार्क जुकरबर्ग, ऐसा कोई नहीं जानता, इन्होंने काम करा है तो ही ये होता है। और अक्षय कुमार भी कोई कम नहीं है, मतलब अच्छे बड़े स्टार हैं इनके, ये रात को 9 बजे सो जाते हैं और कहाँ आजकल लोग 12-1 बजे तो सोते ही हैं, और वैसे भी माहौल थोड़ा ख़राब चल रहा है तो थोड़ा लेट सोते हैं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग हमेशा से ही लेट सोए हैं। और ये साइंस की तरफ से भी अप्रूवल है कि अगर जो बंदा रात को मतलब देर से सो के सुबह देर से उठता है, उसे कोई हार्म नहीं पहुंचता है उसे ये। और सबसे बड़ी आदत हमारी सुबह उठने वाली ही मानी जाती है। अब आप लोग खुद डिसाइड करो कि मार्क जुकरबर्ग, दोनों ही अपनी जगह बहुत बिल्कुल सेम है, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने वो किया है जो कोई नहीं कर पाया, मतलब ऐसे उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है। देखो दोस्त, मैं ये बोलते समय कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ कि मतलब मैं मार्क जुकरबर्ग की पढ़ाई वो पढ़े जा रहा हूँ कि क्या इंडियन से वो है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कुछ होते हैं क्रिएटिव माइंड, अट्रैक्टिव माइंड्स, जो अपना जब आप देखो जो काम आपको करने में मज़ा आता है और उसका आपको टाइम अच्छा लगता है कि अगर मैं सुबह करूँगा तो भाई मुझे सही लगेगा। और देखो दोस्त, ये एक अप्रूवल एक और है साइंस का कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो और आप उठते के साथ ही फ्रेश हो जाते हो, मतलब ब्रेकफास्ट करके बाद नहा धो के पढ़ने बैठ जाते हो, जो आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है ना आप वही पढ़ने बैठोगे, आपको सब में पहले वो ईजी लगने लगेगा। और ये अप्रूवल है, ये द महान साइंटिस्ट आल्बर्ट आइंस्टाइन तक ने कहा है कि सुबह के वक्त, मतलब जब हम सो के उठते हैं सुबह के वक्त नहीं, हमारा दिमाग बहुत फास्ट चलता है। तो बस यही था कुछ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे।